वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों केंद्र सरकार की स्वच्छता रेटिंग का सर्वे किया जा रहा है, जहां इंदौर कई सालों से साफ सफाई के मामले में नंबर वन बना हुआ है, तो वहीं भोपाल भी लगातार पिछड़ रहा है। स्वच्छता मामले में भोपाल के फिसड्डी रहने की आखिरी वजह क्या है? दरअसल भोपाल में साफ सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। पुराने शहर की बात करें तो इस इलाके की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पुराने शहर में आपको जहां देखो वहां कचरे का अंबार नजर आता है। नए शहर और पुराने शहर में क्या फर्क है और इसकी हकीकत क्या है, हमारे संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया, देखिए। स्वच्छता में लगातार मध्य प्रदेश का इंदौर कई सालों से नंबर वन आ रहा है, लेकिन भोपाल हर बार स्वच्छता के मामले में पिछड़ जाता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में। ये शहर का नए शहर का इलाका नहीं है, पुराने शहर से लगा हुआ इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार कॉलोनी के बीचों बीच लगा हुआ है। यहाँ से कई कॉलोनी अशोका गार्डन की, चाहे वो पंजाबी बाग हो या पुराना अशोका गार्डन हो या नरेला विधानसभा हो, तमाम क्षेत्र तमाम कॉलोनियां यहाँ लगी हुई हैं। लेकिन देखिए जानवर, कुत्ते भी यहाँ पर घूम रहे हैं, सुअर भी हैं और गाय भी हैं, आवारा मवेशी आपको दिख जाएंगे। कचरा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, पॉलिथीन खाती हुई गाय नजर आएंगी। यहाँ कोई डस्टबिन नहीं है, कोई कचरे का डब्बा, लाल डब्बा, पीले डब्बे, इस तरह का कोई डब्बा यहाँ कचरे का डस्टबिन नहीं लगाया गया है। यही वजह है कि इन दोनों नगर निगम में सर्वे चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगम जो है सर्वे कर रहा है स्वच्छता की रैंकिंग के लिए, और कुछ दिनों बाद स्वच्छता की रैंकिंग केंद्र से जारी होने वाली है। लेकिन इस रैंकिंग की हकीकत यही है कि नए शहर में, चाहे वो अरेना कॉलोनी हो, न्यू मार्केट हो, एमपी नगर हो, गुलमोहर की कॉलोनियां हो, पॉश कॉलोनी और बीआईपी इलाकों में तो साफ सफाई की जाती है और वहां से सर्वे किया जाता है। लेकिन इसकी हकीकत यही है कि पुराने भोपाल और अंदरूनी कॉलोनी में कोई सफाई नहीं होती। एक दुकानदार है यहाँ पर, आप बताइए सफाई नहीं होती या लोग कचरा डालते हैं, आखिर गलती किसकी है? दोनों की है। सफाई भी मतलब उतनी अच्छे से नहीं होती, लेकिन फिर भी साफ करते हैं वो, और यहाँ के लोग भी कचरा डाल देते हैं। यहाँ के मना करो कितना ही, फिर भी कचरा डाल रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों की गलती है। तो दोनों की गलती है, नगर निगम ठीक से सफाई नहीं करता है और लोग जो हैं वो बार बार यहाँ कचरा फैला जाते हैं, रोज कचरा यहाँ खुले में फेंक जाते हैं, गाड़ी का इंतजार नहीं करते हैं। और यही वजह है कि अपना भोपाल हर बार स्वच्छता के सर्वे से पिछड़ता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।